एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी प्रोडक्ट रूल की, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन रूल की, जिसे हम फ्रैक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं बच्चों। वैसे ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। फिजिक्स पढ़ने से पहले, हम 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करें उससे पहले हमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स सीखनी होती है, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के आप फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ सकते हैं बच्चों। चाहे बायोलॉजी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, चाहे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, ये मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने सभी लोगों को कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने फिजिक्स अपनी स्टार्ट नहीं की है, ये मैं आपको याद दिला देता हूँ। अभी हम फिजिक्स से पहले आने वाला थोड़ा सा पोर्शन पढ़ रहे हैं, है ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये समझिए कि पूरी फिजिक्स में, चाहे वो 11th क्लास की फिजिक्स हो, या 12th क्लास की फिजिक्स हो, या कॉम्पिटिशन हो, कुछ भी हो, मतलब फिजिक्स में आप किसी भी लेवल पर बात करें, मैथमेटिकल टूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिकल टूल हम लोगों से बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। चलिए हम आपको ये बता देते हैं स्टूडेंट कि हम लोग मैथमेटिकल टूल में फर्स्ट पोर्शन, जिसे हम लोग पार्ट वन के नाम से जानते हैं, नाम है डिफरेंशिएशन, हम लोग पढ़ रहे हैं। 3-4 लेक्चर हमारे ऑलरेडी इसके ऊपर हो चुके हैं, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। और ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंशिएशन के जितने भी बेसिक्स हैं वो आपको इस लेक्चर से समझा दिए जाएं, यानी क्वेश्चन रूल हमारे पास में डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है। देखो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जो डिफरेंशिएशन है वो अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है, क्योंकि हम 12th के अंदर जाकर मैथमेटिक्स में भी से पढ़ते हैं, वहां तो 2-3 चैप्टर इसके ऊपर आते हैं पूरे स्टूडेंट। फिजिक्स में अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो बहुत एडवांस डिफरेंशिएशन फिजिक्स में नहीं आता। आपको बेसिक डिफरेंशिएशन का मतलब पता हो, डिफरेंशिएशन अप्लाई कहां करते हैं आपको ये पता हो, और छोटे छोटे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने का तरीका आपको पता हो, और आपको ये पता हो कि कौन से रूल हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रूल से। कुछ रूल्स मैं पहले की क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जो स्टूडेंट हमारे इस लेक्चर के ऊपर नए हैं वो इस लेक्चर को देखने से पहले, इससे पहले के लेक्चर्स को आप जरूर देखें, तभी आपको ये लेक्चर समझ आने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास में है क्वेश्चन रूल, देखते हैं कि ये रूल क्या कहता है स्टूडेंट, और कैसे हम लोग इस रूल को अप्लाई करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि डी अपॉन डीएक्स का मतलब क्या होता है बच्चों। डी अपॉन डीएक्स मींस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी अपॉन डीएक्स मींस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। So, बच्चों अभी तक बात कर रहे थे हम मल्टीप्लाई की। देखिए यहां क्या हुआ, यहां अपने पास में दो फंक्शन डिवीजन में आ गए। भाई पहला जो फंक्शन है हमारे पास में वो ये है, नंबर वन हमने इसे कहा है। दूसरा फंक्शन हमारे पास में ये है, इसे हमने नंबर टू कहा है। ये दोनों फंक्शन आपस में डिवीजन में है और इनका डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है एक्स के रिस्पेक्ट। ओके स्टूडेंट, चलिए रूल देखते हैं क्या है और तरीका जानते हैं क्या है। बच्चों तरीका यह है कि जब भी आपके पास में डिवीजन में वैल्यूज आती हैं, यानी आपको ऐसा लगता है कि आपको फ्रैक्शन रूल या क्वेश्चन रूल यहां अप्लाई करना पड़ेगा, उस कंडीशन में अपॉन में लिखा हुआ है सेकंड फंक्शन, आपको सेकंड फंक्शन का स्क्वायर कर देना है। बहुत ईजी है, जो मैं बता रहा हूं उससे फॉलो करके चले जाओ। अपॉन में लिखा हुआ है सेकंड फंक्शन, हमने सेकंड फंक्शन का स्क्वायर कर दिया इसको। उसके बाद यहां हम लोग लिखेंगे सेकंड फंक्शन डी अपॉन डीएक्स फर्स्ट फंक्शन, फिर फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे डी अपॉन डीएक्स सेकंड फंक्शन, और बीच में आ जाएगा माइनस। ये स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन रूल होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर सेकंड फंक्शन डी अपॉन डीएक्स फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन। जरूरी नहीं है कि यहां पर डी अपॉन डी एक्स भी आए। आप जानते हैं कि डी अपॉन डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की जगह वाई जेड टी कुछ भी हो सकता है यार, जिसके भी रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे वही हमारा अपॉन में हो जाए। हम ऐसा करते हैं कि सीधा इसके ऊपर एक एग्जाम्पल अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब सीधा इसके ऊपर एक एग्जांपल बनाते हैं। जो देखिए कंडीशन हमारे पास में ये बनी d अपॉन dx
देखिए ये हो गया है फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा हो गया है सेकंड फंक्शन। नीचे वाला हो गया है स्टूडेंट सेकंड फंक्शन, ऊपर वाला हो गया है फर्स्ट फंक्शन। क्वेश्चन रूल ये कहता है कि ये जो अपॉन में लिखा हुआ है इसका यही के यही होल स्क्वायर कर दीजिए। हमने बच्चों ऐसा किया, हमने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। बात को समझ रहे हैं आप लोग? हमने डिनोमिनेटर में मतलब हमने इसके अपॉन में फंक्शन लिखा हुआ था उसका होल स्क्वायर कर दिया। इसके बाद रूल क्या कहता है, सेकंड फंक्शन को बाहर रखो यानी नीचे वाले को बाहर रखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन को बाहर रखो, डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट फंक्शन का यानी इसका एक्स स्क्वायर। उसके बाद में बीच में माइनस लगाइए। इस बार आप लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स कर देंगे आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये सिचुएशन होगी बच्चों हमारे पास में, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस, इस बार पहले फंक्शन को बाहर रखेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे प्रोडक्ट रूल पढ़ रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां बीच में प्लस था, यहां माइनस है और वहां अपॉन वाला टर्म नहीं था। कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो यार पिछली बार मतलब इससे पहले की जो क्लासेस हैं उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। एक्स की पावर दो है, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा और ये बनेगा स्टूडेंट टू एक्स। इसके बाद में माइनस के एक्स स्क्वायर, इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, ये तो डी अपॉन डी एक्स के बाहर है तो ये तो ऐसे ही रख रहा। इस एक्स स्क्वायर का किया ये हो गया 2x, इस 1 का किया ये हो गया 0, अपॉन में हो गया बच्चों x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो थोड़ा सही तरीके से लिख सकते हैं 2x x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x की पावर 3 x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप लोग और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे सॉल्व कर लीजिए। मैं तो आपको एक बेसिक सा एग्जांपल बताया है कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चन रूल या फ्रैक्शन रूल अप्लाई करना है। एक और एग्जांपल स्टूडेंट हम इसके ऊपर देखते हैं। ये याद रखिएगा, अपॉन वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर सेकंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, बीच में माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स सेकंड फंक्शन। ठीक है, चलिए अब हम ऐसा करते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल इसके ऊपर देखते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 2 क्या है, मैं तीन एग्जांपल इसके ऊपर आपको बताने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि तीन एग्जांपल के बाद में आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए d / dt, क्या तुम में से कोई समझ पा रहा है d / dt का मतलब क्या है बच्चों? d / dt मींस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपके पास में आया बच्चों 5 / t स्क्वायर प्लस 1, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है 5 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। अब आप गौर से देखो, यहां पर 5 तो हो गया है फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया है अपॉन वाला सेकंड फंक्शन। रूल स्टूडेंट ये कहता है d / dt हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। देखिए रूल क्या कहता है समझिएगा, रूल ये कहता है कि सबसे पहले ये बड़ा अच्छा समझ लगा, अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 है, इस टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करो, उसके बाद इस t स्क्वायर प्लस 1 को बाहर रखो, t स्क्वायर प्लस 1 सेकंड फंक्शन को बाहर रखो, d / dt 5 फर्स्ट फंक्शन को अंदर रखो, माइनस इस बार 5 को बाहर रखो, d / dt t स्क्वायर प्लस 1। एक बार इसका नंबर है और एक बार इसका नंबर है, आप ध्यान रखना। एक बार हमने फर्स्ट फंक्शन को अंदर रखा, सेकंड फंक्शन को बाहर रखा, एक बार हम लोगों ने सेकंड फंक्शन को बाहर रखा, सॉरी सेकंड फंक्शन को अंदर रखा, फर्स्ट फंक्शन को हम लोगों ने बाहर रखा। चलिए देखते हैं ये क्या सिचुएशन बनी, t स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है बच्चों, ये 5 यानी कांस्टेंट, बताओ है या नहीं कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, चाहे टाइम के रिस्पेक्ट में हो चाहे किसी के भी रिस्पेक्ट में हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट हमेशा 0, तो 5 का डिफरेंशिएशन हो गया है 0। उसके बाद माइनस 5 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2t, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 क्योंकि 1 भी कांस्टेंट है यार।
भाई 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ये वाला 5 बाहर था, इसका डिफरेंशिएशन क्या, ये भी t है और ये भी t है। मैं 10 बार रूल बता चुका हूं यार आपको, बोलो मैंने कहा कि जिन लोगों ने आज के लेक्चर से ही ज्वाइन किया है ना वो पहले पीछे के लेक्चर देखकर आए तभी आपको आज की बात समझ में आएगी। t स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो t की पावर में 2 है, पावर आगे आ गया है कि पावर में से एक कम हो जाएगा तो ये बनेगा 2t और 1, यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट कोई नंबर हो या कोई और कांस्टेंट आपको दे रखा हो इन सब का डिफरेंशिएशन 0 होना है, अपॉन में आ जाएगा बच्चों t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो सॉल्व कर लीजिए, 0 की मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में करेंगे ये 0 हो जाएगा, माइनस 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे ये हो जाएगा 10t और अपॉन में हो जाना है स्टूडेंट t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये कंडीशन अपने पास में बनने वाली है, उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी क्योंकि मुश्किल बात नहीं है जिसे आप ना कर पाए, आपको सिर्फ रूल याद करना है अपॉन में सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन बाहर d / dx, d / dt, d / dy, d / dz, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, फिर फर्स्ट माइनस के फर्स्ट d / dt से कुछ इस तरीके से स्टूडेंट हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन रूल हो गया है और दो एग्जांपल मैंने आपको इसके ऊपर बताए, एक और एग्जांपल की स्टूडेंट हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है जरा समझिएगा आप लोग, एग्जांपल नंबर 3 बच्चों मैंने लिखा d/dy, कोई बता, कोई बच्चा बताएगा हमें कि d/dy का मतलब क्या है, आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि d/dy का मतलब क्या है। d/dy means differentiation with respect to y, d/dy means differentiation with respect to y, यानी y के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों, y के रेस्पेक्ट में। हमारे पास में कंडीशन बनी y/y+1, इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है। अच्छा भाई इसका डिफरेंशिएशन करना है तो जैसे ही हमने क्वेश्चन को देखा तो आप ये देखो, हमने कहा यार y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और y के टर्म में ही हमें फंक्शन दे रखा है, तो इसे मान लिया हम लोगों ने फर्स्ट और इसे मान लिया हम लोगों ने सेकंड। अब क्या करने वाले हैं बच्चों, सेकंड हमने इसे माना है तो नीचे हो जाएगा इसका पूरे का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद y प्लस 1 को रखेंगे यहां पर और ये हो जाएगा d/dy y माइनस y d/dy y प्लस 1। मैंने सिंपल क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, ये सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन की जगह यहां रख दिया सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सो y प्लस 1 का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं आप लोग y प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद सेकंड फंक्शन को बाहर रखा d/dy फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन d/dy सेकंड फंक्शन, करीब डिफरेंशिएशन देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है बच्चों, y प्लस 1 y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन अगर उसी के रिस्पेक्ट में होता है लाइक x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे 1, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1, z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, तो स्टूडेंट यहां पर भी y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 माइनस के y। अब आप यहां देखो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 और 1 क्या है, 1 ये 1 क्या है, 1 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं कि क्या आंसर बना अपने पास में, y प्लस 1 माइनस y, y प्लस 1 माइनस y, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो फाइनल आंसर इज 1 अपॉन y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये अपने पास में आंसर आने वाला है, कुछ ये इस तरीके से अपने पास में आंसर बनेगा, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है।
हम लोग आगे एक और एग्जांपल की बात करते हैं यार। अभी मैं चाहता हूं कि प्रोडक्ट रूल, क्वोशेंट रूल और बेसिक रूल बड़े क्लियर रहे आप लोगों के। जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक मजा नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। सो हम लोग एक और कंडीशन देख लेते हैं बच्चों, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4, डी अपॉन डी एक्स y upon x square plus 1। देखो मैंने इस बार थोड़ा सा मामला अलग किया है बच्चों, मतलब मैंने कंडीशन को थोड़ा डिफरेंट रखा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस d upon dx का मतलब क्या है, d upon dx का मतलब क्या है स्टूडेंट, d upon dx का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर, किसका कर रहे हैं भाई x के रेस्पेक्ट में? हम अगर डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो किसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। लेकिन जिसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं उसमें पहला फंक्शन तो है y और दूसरा फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों होने वाला क्या है आप जरा देखो, अपॉन में है x स्क्वायर प्लस 1, रूल वही अप्लाई करेंगे, भले ही आपको कुछ भी दे रखा है रूल वही लगेगा। अपॉन में है x स्क्वायर प्लस 1, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, कर दिया होल स्क्वायर। यहां तक की बात सबको समझ में आई होगी कि जब अपॉन में फ्रैक्शन में हम किसी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर करके हम लोग यहां लिख देते हैं। इसके बाद बच्चों डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1 है उसे रखेंगे बाहर, d upon dx फर्स्ट फंक्शन क्या है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन y, फर्स्ट फंक्शन है अपने पास में y, उसके बाद में माइनस फर्स्ट फंक्शन y को यहां रखेंगे, d upon dx x स्क्वायर प्लस 1, d upon dx x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 d upon dx y माइनस y d upon dx x स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन यहां d upon dx फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन d upon dx सेकेंड फंक्शन। अब बच्चों देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या है भाई x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आया। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये क्या है y और ये क्या है x, बताओ दोनों डिफरेंट है या नहीं है? पिछले दो लेक्चर से तो हम यही बात कर रहे हैं यार, y अलग है x अलग है, तो यहां बन जाएगा dy upon dx, 1 कब लगता है 1, यहां y है, अगर यहां भी y होता तो 1 बन जाता, यहां y है यहां x है तो बन गया dy upon dx minus y, x square plus 1 x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x square का हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा 0। सॉल्व करेंगे आंसर बन जाएगा ये स्टूडेंट हमारा आंसर होने वाला है। तो बच्चों ये कुछ कंडीशन है हमारे पास में क्वेश्चन रूल की जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट हमारा लेक्चर देख रहे हैं उन्हें करना क्या है मैं फिर आप लोगों से दोहरा देता हूं कि जो लोग क्लास में बाद में ज्वाइन हुए हैं वो लोग पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे लेक्चर्स लाइन से देखकर आए तभी यहां पर पहुंचे। एकदम से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको समझने में परेशानी होगी। आप लोग सभी लेक्चर्स को देखें पहले, YouTube पर आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसके बाद में आप क्वेश्चन ट्राई करना कोशिश करें। मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं तो आपको ये प्रॉब्लम ट्राई करनी है, d upon dt समझते हैं, d upon dt का मतलब क्या है सभी अच्छे से समझते होंगे, d upon dt का मतलब क्या है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d upon dt का स्टूडेंट मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको फंक्शन दिया गया है y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 1, देखो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो लेकिन जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसमें टाइम नहीं है, यहां y है यहां z है और दोनों के दोनों वेरिएबल है। बहुत मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है, जितना अभी तक आप लोगों को सिखाया गया है उसी को फॉलो करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले
ये जो दो तीन एग्जांपल्स हमने आप लोगों को बताए हैं, इन एग्जांपल्स को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, उसके बाद में आपको काम करना है। इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको हल्की सी हिंट दे देता हूं, इसे मानना है फर्स्ट, इसे मानना है सेकंड, और स्टूडेंट हमारे पास में रूल होता है सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन डी अपॉन डी टी फर्स्ट फंक्शन माइनस के फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी टी सेकंड फंक्शन, ये फॉर्मूला इसके ऊपर आप अच्छा अप्लाई करें। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन रूल आपको समझ में आया होगा और आपको ये पता चला होगा कि कहां हम लोग क्वेश्चन रूल या फ्रैक्शन रूल अप्लाई करते हैं। लास्ट क्लास में, सैटरडे की क्लास में हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल के बारे में जाना था बच्चों, प्रोडक्ट रूल, और ये हो गया है हम लोगों का क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलो तो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट कंडीशन है मेरे पास में, मैंने आपको प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, बेसिक टर्मिनोलॉजी, डिफरेंशिएशन का यूज करते कहां है, क्या क्या उसकी कंडीशन है, सब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है। अभी तो मुझे बस रूल आप लोगों को दोबारा से एक बार रिवाइज कराने हैं, कुछ एक्स्ट्रा रूल बताने हैं, और फिर हम लोग इसके ऊपर रैंडमली क्वेश्चन करेंगे और डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन करेंगे। देखो जनरली मुझे लगता है कि मैथमेटिकल टूल में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों हमारे लिए, वो दो हैं। एक आपके सामने है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, और एक इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन। ये दो चीजें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, इन दोनों चीजों पर हमें बहुत फोकस करके पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग दोबारा से रूल्स पर डॉट कर आते हैं स्टूडेंट, एक बार रूल्स को हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपके सामने लिख रहा हूं और सभी रूल्स को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करने वाला हूं, सभी का जो रूल्स में बनाने वाला हूं एक्स के रेस्पेक्ट में बनाने वाला हूं, हो किसी के भी रेस्पेक्ट में सकता है, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, किसी के भी रेस्पेक्ट में हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को नहीं पता है वो ध्यान रखें, d upon dx का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों पहला रूल हमारे पास में ये है, पावर आगे और पावर में से एक कम, n x की पावर n माइनस वन, यहां भी x, तो दोबारा नहीं करना पड़ेगा, ध्यान रखें स्टूडेंट। दूसरा रूल हमारे पास में ये है, अगर ऐसे आया d upon dx, यानी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में y का, देखिए यहां y है और यहां x है, तो ये बन जाएगा बच्चों dy upon dx। रूल नंबर 3 बना बच्चों हमारे पास में d upon dx x, यहां भी x है यहां भी x है, ये बनेगा 1 स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। अगर यहां y होता और यहां भी y होता तब भी 1 बनता, यहां z तब भी 1 बनता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद स्टूडेंट d upon dx constant 0, कोई भी constant आपको दे रखा है, कोई भी constant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर हो गए, इसके अलावा अगर कोई भी constant आपको दे रखा है सबका differentiation 0 के बराबर होगा। ये चार रूल तो भाई बहुत ही ज्यादा important है हमारे लिए, क्योंकि ये बार बार हमारे सामने आने वाले हैं। पहला रूल differentiation of x की power n with respect to x, पावर आगे पावर में से एक कम, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy upon dx, z का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में d upon dx z, dz upon dx, d upon dt x, स्टूडेंट ये बनेगा dx upon dt, अगर डिफरेंट होंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। तो बच्चों ये कंडीशन है हमारे पास। इसके बाद देखते हैं क्या है, d upon dx sin x, देखो मैथमेटिक्स वालों को इसकी जरूरत पड़ जाती है लेकिन बायोलॉजी वालों को इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आप लिख लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और दो चार बार इन्हें अच्छे से लिखकर देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और याद कर लीजिएगा, कुछ पता नहीं है कि कहां जरूरत पड़ जाए इसकी भी। d upon dx आप जानते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, किसका डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन, बच्चों sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, d upon dx cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x, d
डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, याद कर रहे हैं जो बिना याद करे काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। देखो हालांकि इतना लंबा जाने की हमें जरूरत नहीं है, ज्यादातर फिजिक्स में हमारा काम इन तीन चीजों से चल जाता है, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। कई बार कुछ ऐसे भी आ जाता है डी अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा, अगर यहां एक्स है तो यहां भी एक्स है, डी अपॉन डी ए डी थीटा साइन थीटा तो इसका हो जाएगा कॉस थीटा। चिंता मत करें आगे क्वेश्चन आएंगे उनकी बात हम करेंगे, अभी सिर्फ इतना करना है कि आपको इन चीजों को अच्छे से याद करना है, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का बच्चों ये है, कॉट एक्स का ये है और कॉसेक एक्स का ये है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद आया हो गया होगा, मतलब लिख लिख कर जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर तरीके से आपको याद होगा। चार और स्टूडेंट ये और एक दो तीन और तीन छह कंडीशन ये, टेन कंडीशन अभी तक हमारे पास में हो गई है जो आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। हम दो कंडीशन और इसके अंदर स्टूडेंट ऐड कर देते हैं, लॉग एक्स या इसे बोलते हैं डी अपॉन डी एक्स एल एन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। मैं कह रहा हूं ना कि मैं आप लोगों को अपने आप सिखा दूंगा बच्चों, आपका काम सिर्फ इतना है कि अभी आप इन्हें लर्न करिए, आप इन्हें याद करिए, अभी इस पर दिमाग मत आप लगाइए कि ये चीज क्या है कहां से आ गई है क्यों है, मत लगाइए भाई, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि अच्छे तरीके से आप याद करें। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये सारी चीजें याद करनी है, तो दो होमवर्क हो गए आपके पास में, एक होमवर्क जस्ट मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड के अंदर दिया था जिसमें आपको क्वेश्चन रूल अप्लाई करना था, और एक होमवर्क जो है ये है कि आपको ये सभी चीजें अच्छे तरीके से याद करनी है। तो बच्चों ये आज की हमारी मैथमेटिकल टूल की नेक्स्ट क्लास हो गई, मैं फिर आपको याद दिला देता हूं कि अभी हमने 11th की फिजिक्स को स्टार्ट नहीं किया है, फिजिक्स में जो बेसिक मैथ्स का यूज होने वाला है जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम आती है हम लोग अभी वो पढ़ रहे हैं, जो लोग न्यूली ज्वाइन हुए हैं वो पहले स्टार्टिंग से लेक्चर्स को देखकर आए उसके बाद में आगे का काम करें। ओके स्टूडेंट, आप लोग जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं क्योंकि 7 अप्रैल से आप लोगों की क्लास यूट्यूब के ऊपर नहीं चलेगी, आपको मेन प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा और वहां पर आपकी क्लास तभी चल पाएगी जब आपका रजिस्ट्रेशन